आपने जमीर इस्लाम सलाह के बारे में बारगाह में 100 कुछ अशआर और मुश्किल कसीदा बुद्धा शरीफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपने सुना होगा कसीदा शरीफ और जिस दिन वो कसीदा मुकम्मल हुआ उसी रात नबी इस्लाम सलाम हाल में तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया कि उसी ने जो तुमने कसीदा लिखा है वो सुना हजरत इमाम शरफुद्दीन मुस्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर को कसीदा सुनाया हुजूर शेर के ऊपर खुश होते रहे यहाँ तक कि पूरा कसीदा मुकम्मल हो गया और नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले जाने लगे तो आपने अपनी जो चादर मुबारक हुई थी वो इमाम शरफुद्दीन मुस्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर डाल दी जिसकी बरकत से हजरत इमाम शरफुद्दीन मुस्ती रहमतुल्लाह अलैह का फारिज खत्म हो गया प्रोफेसर इनामुल्लाह साहब कह रहे थे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज से हजरत याकूब अलैहि सलाम की बिनाई वापस आ गई तो नबी अलैहि सलातो सलाम की चादर में ये ताकत नहीं होगी कि वो फारिज को खत्म कर दे ये कुरान से उन्होंने साबित किया कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज से हजरत याकूब अलैहि सलाम की बिनाई वापस आ गई याकूब अलैहि सलाम भी नबी है अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दे उनकी आंखें ठीक हो जाती लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजा दिखाना था दुनिया को कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमी से याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गई तो आपकी बिनाई वापस आ गई अब इमाम शरफुद्दीन मुस्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो फारिज खत्म हो गया तो मैं शहर के तक घूमने लगा लोग मुझे हैरानी से देने लगे कि बुजुर्ग ने कहा कि शरफुद अब देखिए क्या जो रूहानियत है ना ये बात कर देना आसान है लेकिन रूहानी मंजिल जो है उसका उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है तो वो बुजुर्ग जो तशरीफ बाजार में घूम रहे थे उन्होंने कहा शरफुद्दीन मुस्ती जो कसीदा रात को तुमने नबी अलैहिस्सलाम को सुनाया वो मुझे सुनाओ ये सारी तो ख्वाब की बातें थी इमाम शरफुद्दीन मुस्ती हैरान हो गए कि मैंने तो इसी बुजुर्ग को कसीदा सुनाया था और ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं वो कसीदा मुझे सुनाओ पढ़िए मौला या सल्ली व सल्लिम दाएमन अबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अब मैंने आपको गुरबाई सुनानी है रशीद साजी शिराजी सोनवर की रमतुल्लाह।